खरगोन जिले में शमशान भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस बात को लेकर समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला जिले के ग्राम भसनेर का है, जहां बलाई समाज की शमशान जमीन पर व्यक्ति विशेष द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर रोक लगाने के विरोध में बलाई समाज सड़कों पर उतरा है और प्रशासन के न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि पुरखों के समय से स्थित शमशान जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिस पर दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए। खरगोन से जतिवारी की रिपोर्ट। क्या शिकायत लेकर आए आप लोग कलेक्टर? हमारी यही मांग है कि हमारे तार फेंसिंग बहुत जरूरी है। कहाँ पर? हमारे मकान बनेगा या तीन नंद मकान बनाई लिया, हम उनको बोलना चाहो थपा तगड़ा खतरा उठा, कोई बोलना नहीं तो गाली कर लो कर गंदगी रख, हमने धुनू का हमारा इंसान ना मरी जाए तो वो साफ सफाई करवाओ और तार फेंसिंग लगाओ। हमारी तो वो 100 साल पहले की, आज नवीन नहीं है। क्या नाम आपका? ममता। शिकायत लेकर आप लोग कलेक्टर आए? शमशान भूमि के भलाई समाज की शमशान भूमि के साथ में वही कहाड़ समाज की और निहाल समाज की शमशान भूमि लगातार एक लगत लगी हुई है, उसमें कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, रहने के हिसाब से मकान बना रहे हैं उसमें, तो उनको व्यक्तिगत पंचायत स्तर पर भी समझा तो वो मानने को तैयार नहीं, इसलिए समाज वाले एकजुट होकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। वो चाहते हैं कि शमशान भूमि तो कम से कम बचे, बाकी अन्य जगहें तो लोगों ने तोड़ ली है, और कम मरने के बाद ये लोगों को दफनाया कहाँ जाएगा। पंचायत में इस बात की शिकायत की थी क्या? हाँ, पंचायत में समाजजनों ने शिकायत की थी, तो पंचायत स्तर पर सामने जो भी अतिक्रमण कर उनको अपने नोटिस जारी कर दिया, तो उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया। अब ये रिकॉर्ड राजस्व में है, चूँकि अपन ने पंचायत स्तर पर पटवारी को भी सूचना दी थी, पटवारी महोदय पटवारी जी पे जाके वहाँ पंचनामा बना के लाए हैं, मगर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? उसको रोकना है, जो भी अतिक्रमण करो उनके ऊपर कार्रवाई करना है। क्या नाम आप? मुकेश सिंह चौहान, पंचायत में उप सरपंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।